नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की जानकारियां मिलती रहे। चलिए बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल सकता है, क्योंकि देखिए न्यूज़ क्या कहता है। दैनिक भास्कर में यह न्यूज़ प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छठवीं से बारहवीं कक्षा के स्टूडेंट और पेरेंट्स बोले जल्द शुरू होने चाहिए स्कूल। 22 जिलों में किया जा रहा सर्वे। तो छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट एसोसिएशन संघ है उसके माध्यम से एक सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने बहुत से प्राइवेट स्कूल के जो बच्चों के पालक हैं उनसे चर्चा किया, और चर्चा से ये बात सामने आई है कि स्कूल खोला जाना चाहिए। चलिए क्या कहते हैं इस न्यूज़ में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्कूल पिछले साल से बंद है, अब मांग उठ रही है कि स्कूल शुरू किया जाना चाहिए। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। इसमें 12 जिलों के 2000 पेरेंट्स ने स्कूल शुरू किए जाने को लेकर अपनी राय दी है। अर्थात पेरेंट्स से जब इस बारे में चर्चा किया गया तो पेरेंट्स ने स्कूल खोलने पर अपनी राय दिया है। इसमें 12 जिलों के 2000 पेरेंट्स ने स्कूल शुरू किए जाने को लेकर अपनी राय दी। छठवीं से बारहवीं तक के स्टूडेंट के पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल शुरू कर दिए जाने चाहिए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी है, मगर पेरेंट्स का मानना है कि क्लास में बैठकर पढ़ने से बच्चों की तैयारी बेहतर होगी। अर्थात 12 जिलों में यह सर्वे किया गया, स्कूल बच्चों के पेरेंट्स से पूछा गया, उनसे राय लिया गया, तो छठवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुला जाना चाहिए, ऐसी राय पेरेंट्स ने दिया है। हालांकि ऑनलाइन अभी फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस, मोहल्ला क्लासेस जैसे एक्टिविटीज़ जारी है, लेकिन स्कूल खुलने को लेकर यह न्यूज़ प्रकाशित हो रही है। आने वाले समय में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि छोटी कक्षाओं के पेरेंट्स कोरोना को लेकर डर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कई ग्रामीण इलाकों में मोहल्ला क्लास की स्थिति का भी जायज़ा लिया गया। यह पाया गया कि बहुत से इलाकों में मोहल्ला क्लास भी नहीं लग रही, छोटे व बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। अर्थात छोटे बच्चे हैं, उनको न तो अच्छे से ऑनलाइन स्टडी फैसिलिटीज़ मिल रही है और न ही मोहल्ला क्लास सही तरीके से संचालित हो पा रहा है। अब 22 ज़िलों में सर्वे पूरा करा करके सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट, है ना। तो प्राइवेट एसोसिएशन सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है। अभी तक 12 ज़िलों से सर्वे किया गया, जिसमें 2000 से अधिक पेरेंट्स को शामिल किया गया है, जिन्होंने स्कूल खुलने को लेकर अपनी राय दी है। यह सर्वे 22 ज़िलों के लिए होगा। तो प्राइवेट एसोसिएशन के राजीव गुप्ता ने दैनिक भास्कर को बताया कि इस सर्वे में 22 जिलों को शामिल किया गया है। 12 जिलों में इनपुट मिल चुके हैं। यह सर्वे गूगल फॉर्म पर किया जा रहा है। पेरेंट्स से इस फॉर्म में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि क्या वो अब बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक सर्वे की पूरी जानकारी एसोसिएशन के पास सभी 22 जिलों से आ जाएगी। अर्थात 15 जुलाई तक प्राइवेट एसोसिएशन वाले यह सर्वे कार्य कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद 17 जुलाई को शिक्षा मंत्री से मिल करके स्कूल एसोसिएशन आंकड़ों के साथ जानकारी देकर स्कूल शुरू करने की मांग करेगा। अर्थात 17 जुलाई को प्राइवेट एसोसिएशन संघ शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और अपने सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको सौंपेंगे। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अगर कोरोना की स्थिति यथावत बनी रहे, संक्रमण की जो धीमी रफ्तार है वो यथावत बनी रहे, तो आने वाले समय में स्कूल खुल सकता है। क्या है सरकार की तैयारी? तो हम सरकार की तैयारी को अगर हम जानें तो शिक्षा विभाग के अफसर इस तैयारी में है कि स्कूल दोबारा से शुरू किए जाएँ। हालांकि अब तक इस पर सहमति नहीं बनी है। खबर है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूल खोले जाने की कवायद तेज़ होगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद 12वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा भी हो सकती है। इसके बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी रही तो बड़ी क्लास के स्टूडेंट के लिए स्कूल शुरू किए जा सकते हैं।
हालांकि इस वक्त स्कूल खोले जाने को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ रखा है कि जब संक्रमण पूरी तरीके से नियंत्रण में होगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा। देश के कुछ राज्यों में स्कूल अब धीरे धीरे शुरू किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य है, देश के अदर राज्य है, वहाँ पे स्कूल धीरे धीरे शुरू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले वक्त में स्कूल खुलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि स्कूल खुलने को लेकर आपको पूर्व में पता होगा कि छत्तीसगढ़ कांकेर जिला के 68 गांव के सदस्य लोगों ने एक रैली निकाल करके सरकार को भी चेतावनी दिया है कि स्कूल खोला जाए, क्योंकि कोरोना का बहाना बहुत हो गया। इसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं वो भी स्कूल खोलने को लेकर अपनी एक सर्वे कार्य प्रारंभ किया है, जिनका सर्वे कार्य 15 जुलाई तक वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह में स्कूल पुनः ओपन किया जा सकता है। ऐसे ही नए नए जानकारियों के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।